मैं लड़की बनकर 5 साल तक औरतों की मसाज करता रहा, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि मैं एक मर्द हूँ। एक दिन बहुत अमीर औरत ने मुझसे मसाज करवाया और उसने मुझे अपने घर हमेशा के लिए रख लिया और रोज़ाना मुझसे मसाज करवाती। एक दिन मैं मसाज कर रहा था कि मुझ पर तेल गिर गया। उस औरत ने मुझे अपने कपड़े दिए और कहा चेंज कर लो। मैं घबरा गया। जब मैं उसके सामने कपड़े बदलने लगा तो मेरे पैर से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मैं गरीब इंसान था। इंटर करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन मुझे नौकरी ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा अंदाज़ अलग था। मैं तीसरी जीन्स का तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं एक पूरा लड़का था। लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ भी कुछ लड़कियों जैसी थी और मेरे हाथ और पाँव भी लड़कियों जैसे थे। मेरे हाथ और पाँव की बनावट को देखकर मेरे रिश्तेदार मुझे हसीन के नाम से पुकारते थे। कई लोगों को शक था कि मैं तीसरी जीन्स का हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी काफ़ी साल तक यही लगता रहा। लेकिन मैं एक पूरा लड़का था, बस न जाने क्यों मेरे हाथों की बनावट ऐसी थी। थोड़ा बहुत आवाज़ भी लड़की जैसी थी। मैं जिधर भी काम लेने को जाता, कोई भी मुझे काम नहीं देता। हर कोई मुझे तीसरी जीन्स का समझकर भगा देता। कोई भी मेरी बात का भरोसा करने को तैयार नहीं था कि मैं एक लड़का हूँ। अगर मैं किन्नर होता तो फिर भी कोई बात होती, लेकिन मैं तो वैसा था ही नहीं जैसा दुनिया मुझे समझ रही थी। मेरे घर में पैसों की कमी थी। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ था। वो लोग भी मेरी जात से नफरत करते थे, क्योंकि उनको भी मैं अजीब ही लगता था। मेरी माँ कहती थी, तू तो ना बेटा निकला ना बेटी निकली, तुम्हारी बनावट बेटे जैसी होती तो तुम्हें कहीं नौकरी मिल जाती और हमारा गुजारा होता, या तुम पूरी बेटी होती तो हमें कमा कर देती, लेकिन तू तो कहीं की नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ कह रही थी। जब दुनिया इंसान साथ छोड़ देती है तो उसकी माँ उसका साथ देती है, लेकिन मेरी माँ तो माँ है और वही मुझे गलत इंसान ठहरा रही थी। समय गुजरता गया और मेरी उम्र 22 साल हो गई। मैं परेशान था। मैंने उसी परेशानी में अपना घर छोड़ दिया और दूसरे शहर आ गया। दूसरे शहर आकर भी नौकरी के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर मुझे एक इंसान ने हिम्मत दिलाई जिसका एक मसाज सेंटर था और वो मर्दों का मसाज करता था। उसने मुझे कहा कि तुम ये काम करो। मैंने उसके सेंटर में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी सबने मुझे तीसरी जीन्स का समझकर बहुत मजाक उड़ाया। उनमें से एक ने तो मौका पाकर मुझे परेशान करने की कोशिश की। यहाँ पर मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी और उस सेंटर को छोड़ दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि जब दुनिया मुझे लड़की समझती है तो मैं भी दुनिया के सामने लड़की बन जाता हूँ। मैंने अपने आप को लड़का साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हार गया। अब मैंने एक नया रास्ता अपनाने की सोचा। मैंने एक नकाब खरीदा और नकाब पहनकर पूरे तरीके से लड़की का रूप अपना लिया। उसके बाद मैंने जॉब के लिए दुकानों में काम तलाशना शुरू किया और मुझे अचानक काम भी मिल गया। एक दुकान मालिक ने मुझे रख लिया जिसकी कपड़ों की दुकान थी। उसने मुझे कहा कि तुम देखने में ज़रूर खूबसूरत होंगी, अगर तुम नकाब उतार दो तो मेरे ग्राहक ज़्यादा आएंगे। मैंने कहा कि मैं पर्दा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ दिन मैंने वहाँ पर काम किया और मेरा अच्छा खासा गुजर होने लगा। मैंने एक कमरा किराए पर ले लिया। मैं पूरे दिन दुकान में बैठा होता था और दुकान का मालिक मुझे बहुत हौसला देता था। वो मुझ पर इस कदर मेहरबान था कि मैं हैरान हो जाता था कि ये इंसान मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने कई बार मुझे नकाब हटाने को कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था। यहाँ भी मेरे साथ वही हुआ जो मसाज सेंटर में हुआ था। दुकान के मालिक ने एक रात मुझे किसी बहाने से रोक कर रखा और फिर दुकान बंद करके मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने मेरा नकाब खींचा, उसे मालूम हो गया कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल तो लड़कों जैसी ही थी, बस हाथों की बनावट लड़कियों जैसी थी और थोड़ी आवाज़ भी। मेरा चेहरा देखकर दुकान के मालिक ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम धोखे से यहाँ पे काम कर रहे थे लड़की बनकर। मैंने कहा, तुमने मुझे इसी काम के लिए साथ रखा हुआ था। अगर मैं सच में एक लड़की होता तो तुम तो मेरी इज्जत को ख़त्म कर देते। आज मैं लड़की नहीं था, लड़का था। मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं उसे धक्का देता।
मैं अपने आप को बचाते हुए कामयाब हो गया और जब उसने मेरा नकाब खींचा तो उसने मेरी सच्चाई का पता लगा लिया। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो वह अपने को बचा नहीं सकती थी, क्योंकि वह इंसान बहुत ताकतवर था, लेकिन मैं भी एक मर्द था और मेरे अंदर भी ताकत थी। मैंने खुद को बचा लिया, मैं वहां से भाग निकला। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि ये दुनिया कैसी है, ना लड़के को छोड़ती है ना लड़की को। जब मैं लड़की बनकर दुनिया के सामने जाता हूँ तो कहते हैं कि मुझे धोखा दिया तुमने, तुम तो लड़के हो, और जब मैं लड़का बनकर सामने आता हूँ तो मुझे किन्नर समझकर अलग नज़र से देखते हैं। मैं एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह नकाब पहनकर अपनी आवाज़ को लड़की की आवाज़ बनाकर मैं दूसरी नौकरी करने लगा। ये भी एक दुकान थी और वहाँ की मालकिन एक औरत थी जो मुझे ज़रा तसल्ली थी। उस औरत ने मुझे नकाब हटाने को भी नहीं कहा। उस औरत का छोटा सा बेटा था और मैं उसका बहुत ख्याल रखता था और उसके कस्टमर को डील करता था। एक दिन वो औरत बहुत परेशान थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है और मेरा अंग अंग दुख रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैंने उसका सर दबाया तो उसको बहुत आराम मिला। फिर मैंने उसके कंधे दबाना शुरू किए और मैं यूं करते करते उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरकर मसाज के अंदाज में दबाता जा रहा था और उस औरत को आराम महसूस हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी मालिश करती हो, मेरा तो सर दर्द ही तुमने गायब कर दिया। तुम्हें तो मसाज सेंटर खोलना चाहिए, तुम्हारे हाथों में बड़ा जादू है। ये मसाज सेंटर वाली बात उसने शायद ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचा बात सच है कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है, मैं बहुत अच्छे से मसाज कर सकता हूँ, लेकिन बस परेशानी यही है कि मैं मर्दों का मसाज करता था तो वो मुझे एक गलत निगाह से देखते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं औरतों का मसाज करना शुरू कर दूँ, औरत बनकर ही। और ये ख्याल आते ही मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अगले दिन जाकर मैंने अपनी मालकिन से कहा कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मैं जल्दी आपका पैसा वापस कर दूँगी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे दिल की मालकिन थी, और अब वो रोज़ाना ही मुझसे मसाज करवाया करती थी। उसने मुझे कहा ठीक है, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा दे देती हूँ, तुम्हारा ईमानदारी का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई परेशानी नहीं है। उसने मुझे अच्छी खासे पैसे दे दिए और मैं खुशी से उछल रहा था। मैंने उस पैसे से एक मसाज सेंटर खोल लिया औरतों के लिए। मैंने ये सेंटर उधार की बुनियाद पर खोला था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरा कारोबार चल जाए ताकि मैं अपनी मालकिन का पैसा वापस कर सकूं। मैं दिन में मालकिन के घर में काम करता था और शाम को अपना मसाज सेंटर खोलता और औरतें आती थी और मुझे मसाज करवाती और मैं नकाब पहना होता था। वो मुझसे मेरे नकाब की वजह पूछ रही होती थी तो मैंने यही कहा कि बस मैं पर्दा करती हूँ। मेरे हाथों की बनावट से किसी औरत को शक नहीं हुआ कि मैं असल में हूँ कौन। मैं हमेशा सोचता था कि भगवान ने मेरे हाथ ऐसे क्यों बनाए हैं, मेरी आवाज़ को लड़की जैसा बनाया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया था, भगवान कोई चीज़ बेकार नहीं बनाते। मेरे हाथ ही थे जो मेरे काम आ रहे थे, मेरा काम चल रहा था, मेरा मसाज सबको बहुत अच्छा लगता था, हर कोई मेरी तारीफ करता था और मेरे ग्राहक ज़्यादा होते जा रहे थे। जो भी औरत मुझसे मसाज करवाती वो आगे जाकर दूसरी औरतों को बताती कि उसके हाथ में बड़ी ताकत है। अक्सर ऐसी औरतें आती थी जिनको शरीर की परेशानी का मसला होता था और मसाज करने से उनकी परेशानी गायब हो जाती थी। ये पूरी औरतें मेरे सामने अपना अच्छा खासा कपड़ा उतार देती थी, लेकिन मैं उनको देखता नहीं था, मैं आँखें बंद करके अपना काम करता था। मेरा उनको देखना भी पाप था, मेरा कोई गलत नियत नहीं थी, बस मैं मजबूर था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ी गाड़ी में एक औरत आई जो बहुत ज़्यादा अमीर लग रही थी। मेरे पास इतनी अमीर औरतें नहीं आती थी, लेकिन वो औरत कुछ ज़्यादा ही अमीर थी। उसका कपड़ा और उसकी गाड़ी सब कुछ उसकी अमीरी बता रहे थे। वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे मसाज की बहुत तारीफ सुनी है, मुझे शरीर में बहुत दर्द रहता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, कोई दवाई भी असर नहीं करती,
मेरा वज़न ज़्यादा होने की वजह से मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, इसलिए मैं तुमसे मालिश करवा कर देखना चाहती हूँ कि असर होता है या नहीं। वो औरत जैसी भी थी, अमीर औरतें ऐसी ही होती हैं। मैंने आराम से उसका मसाज किया और काफ़ी देर तक करता रहा तो उसको बहुत सुकून आया। उसने मेरी तारीफ़ की और फिर चली गई। लेकिन अगले रोज़ वो फिर आई और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम अब मेरे घर पर ही रहो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें ये सेंटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरी परेशानी को दूर कर दो। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वो मुझे इतना पैसा देने को तैयार थी कि मुझे सेंटर चलाना ही नहीं पड़ता, यानी मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो रही थी। सारा दिन सेंटर में जलील होने के बजाय मुझे एक ही औरत का मसाज करना था और मेरे महीने भर का खर्च निकल जाता। मैंने उस औरत से कहा कि मैं ये सेंटर बंद नहीं कर सकती क्योंकि मैंने किसी से बहुत उधार पैसे ले रखे हैं ये सेंटर चलाने के लिए, और जब तक उसका उधार नहीं चुका देती मैं इसको बंद नहीं कर सकती। उस औरत ने कहा कि तुम्हारा सारा उधार मैं चुका दूंगी, बस तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपने घर में ही तुम्हें एक कमरा दे दूंगी, तुम वहाँ पर रहना, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे पास बहुत पैसा है, बस ये मेरी परेशानी जान नहीं छोड़ रही। मैं काफ़ी मसाज सेंटर गई थी लेकिन वो ईमानदारी से काम नहीं करते, तुमने ईमानदारी से काम किया है, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। मैंने उस औरत से कहा कि आप रोज़ाना यहाँ आ जाया करें, मैं आपका मसाज कर दूंगी। तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारा ये छोटा सा सेंटर, इसमें आना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा ताल्लुक बहुत ही हाई क्लास से है और जब मेरी सहेलियों को मालूम होगा कि मैं इतने छोटे सेंटर में आकर मसाज करवाती हूँ तो मेरा मजाक बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकती, तुम मेरे घर आ जाओ। मैंने उस औरत की बात मान ली। उस औरत ने मेरा सारा कर्जा चुका दिया। मैंने दुकान की मालकिन को जाकर उसके सारे पैसे वापस किए और अपना सेंटर बंद कर दिया। सोचा जब मुझे यहाँ पर रहने की अच्छी जगह मिल रही है और इतनी औरतों का मसाज करने की बजाय जब मुझे एक ही का मसाज करना है और खाना पीना सब कुछ मिल रहा है तो परेशानी क्या है, मैं खुशी खुशी मान गया। वो औरत अपने साथ मुझे अपने घर ले गई। उसका घर किसी बड़े महल से कम नहीं था। उसने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया जो घर के पीछे की तरफ था। वो क्वार्टर था लेकिन मेरे इस कमरे से कहीं ज़्यादा बेहतर था। ये कमरा साफ़ सुथरा था और अच्छा फर्नीचर भी रखा हुआ था, यानी कि अमीर लोगों के नौकर भी ठाट से ही रहते थे। मैंने वहाँ पर अपना सामान रखा और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी जिसने मुझे इतना अच्छा काम करने का मौका दिया। मैं जानबूझकर दुनिया को धोखा नहीं दे रहा था, मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। भगवान ही जानता था कि मैंने कभी उन औरतों के शरीर पर नज़र नहीं डाली। वो औरत रोज़ाना रात को मसाज करवाया करती थी और मैं आंखें बंद करके उसका मसाज करता था। वो मुझसे कहती थी कि तुम दिन रात नकाब में क्यों रहती हो, तो मैंने कहा कि बस मेरी आदत है। उस औरत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पर्दा है, लेकिन एक औरत का औरत से क्या पर्दा, मैं तुम्हारा तो चेहरा देख सकती हूँ ना। मैंने कहा कि मेरा चेहरा जल गया था, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। इस तरह की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे शर्मिंदगी होती है जब लोग मेरा जला हुआ चेहरा देखते हैं। किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था, इस वजह से मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं और मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहती। मेरी दुखते दिल पर हाथ ना रखें तो बेहतर होगा। उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि किसी ने तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक कर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाती, लेकिन ये सब किसने किया? उस औरत ने जब ये सवाल किया तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि एक लड़के ने मुझसे शादी करने को कहा था और मैंने उसका रिश्ता ठुकरा दिया, उसके बदले उसने मेरा चेहरा तेजाब फेंक कर जला दिया कि मैं किसी और से शादी ना कर सकूं। उस लड़के ने मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया था। इस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और इसलिए मैं अपना चेहरा दुनिया से छुपा कर रखती हूँ, और यही वजह है कि मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मैं अब ये काम करने पर मजबूर हूँ क्योंकि मुझे ये काम अच्छे से आता है, मेरे हाथों में ताकत है जो कि भगवान ने मुझे दी है, मैं उससे फ़ायदा उठाना चाहती हूँ।
मैंने एक कहानी अपने चेहरे और नकाब को लेकर उस औरत को सुना दी ताकि उससे मेरी बात पर भरोसा हो जाए, और मैंने इतने अच्छे से ये झूठ बोला था कि उसे भरोसा हो भी गया। उसने मुझसे कहा कि सच में तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम्हारे हाथ की बहुत खूबसूरत बनावट है। तुम पहले खूबसूरत चेहरे की लड़की रही होंगी, लेकिन मुझे अफसोस बहुत है कि तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया, लेकिन मुझे फ़ायदा हो रहा है। तुम्हारे मसाज से मेरी परेशानी में बहुत कमी आई है। उस औरत ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया और मुझे भी आराम हो गया, क्योंकि अफसोस भी हो रहा था कि मैं अपनी पहचान दुनिया से छुपा रहा हूँ। हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे झूठ बोलते हुए शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। मैं कुछ पैसे अपनी माँ को भेजने लगा, ये पेट जो भरना था अपना और अपने घर वालों का। लोग सच कहते हैं, इस पेट को भरने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैंने जो रास्ता अपनाया था, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी से मैं अपना काम कर रहा था। लड़का बनकर जाता तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते, लड़की बनकर जाता तभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मर्द तो दोनों सूरतों में मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, कोई औरत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मैंने औरतों के साथ काम करने का फैसला कर लिया, लेकिन मेरी असलियत उस औरत से ज़्यादा दिन छुपी ना रह सकी। एक दिन मैं उसका मसाज कर रहा था कि अचानक से तेल की शीशी जो मेरे हाथ में थी वो पूरे कपड़ों पे गिर गई। मैं परेशान हो गया, मेरी मालकिन भी परेशान हो गई। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े तो ख़राब हो गए हैं। मैंने कहा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तो उसने कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ अलमारी में मेरा सूट पड़ा है, वही निकाल कर पहन लो। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं पहन सकती आपके कपड़े, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसने ज़बरदस्ती अपना एक जोड़ा निकाल कर मुझे दे दिया और कहा कि कपड़े बदल लो। मैं परेशान हो गया था, मैं उसके सामने कैसे कपड़े बदलता, वहाँ पर वॉशरूम भी नहीं था, ये कमरा सिर्फ मसाज के लिए था, उस औरत ने ही मसाज के लिए रखा हुआ था। मैंने बाहर जाने को कहा तो उसने कहा कि अगर मैंने उसके सामने कपड़े नहीं बदले तो आज नौकरी से निकाल देगी। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि उसकी नौकरी से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा था, मैं मुफ्त में खा पी रहा था, मुझे घर भी मुफ्त में मिला हुआ था, मुझे इतने पैसे मिल रहे थे कि मैं अपने घर वालों को भी भेज दिया करता था, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था, मुझे ज़माने की बातों का डर नहीं था, मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ का आराम था और मैं उस आराम को कभी नहीं खोना चाहता था। लेकिन उस औरत की ज़िद थी कि मैं उसके सामने कपड़े बदलूँ। मैंने उसे कहा कि आपके सामने कपड़े नहीं बदल सकती, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अपना चेहरा भी छुपा कर रखती हूँ, तो मैं अपना शरीर आपके सामने कैसे खोल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी असलियत मालूम है, मुझे पता चल गया है कि तुम लड़की नहीं हो, लड़का हो, इसलिए मैं तुमसे ये कह रही थी कि तुम खुद अपने मुंह से कह दो। उस औरत की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, यानी कि वो पहचान गई थी, वो इतनी चालाक थी, वरना आज तक मैंने इतनी सफाई से काम किया था कि किसी को भी शक नहीं हुआ था कि मैं कौन हूँ, लेकिन उस औरत को शक हो गया, बल्कि उसे यकीन था। उसकी बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया, शर्मिंदगी के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था कि ज़मीन फट जाए और मैं ज़मीन के अंदर समा जाऊं। मैंने जितना उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, आज मेरा सारा भेद उस औरत के सामने खुल गया था। उसने मुझे कहा कि रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे सारी बात बता दी कि शुरू से लेकर ज़माने ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। जब मैं लड़का बनकर जाता तब भी लोग मुझे भगा देते और मुझ पर अलग नज़र रखते, और मैं लड़की बनकर जाता तब भी मेरे साथ बुरा ही होता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं औरतों के साथ औरत बनकर काम करूं ताकि कोई परेशानी ना हो। मैंने किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया, आंखें बंद करके मसाज करता हूं, आप जानती हैं गरीबी के मारे इंसान बहुत मजबूर हो जाता है कि कुछ भी कर जाता है। काश कि आप जैसे अमीर लोग समझ पाते, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं समझोगी मेरी बात, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जाने लगा तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाज़ा हुआ है, जो कहानी तुमने सुनाई है वो यकीनन एक दर्दनाक दास्तान है,
तुम कितने मजबूर थे मुझे पता है। मुझे कुछ दिन पहले ही पता हो गया था कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, और इसीलिए मैंने जानबूझकर तेल तुम्हारे कपड़ों पर गिरा दिया। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम गलत नहीं हो। तुमने जो किया वो मजबूरी थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और मैं तुमसे मसाज तो नहीं करवाऊँगी क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि तुम लड़की नहीं हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए और काम है। तुम्हारा ईमानदारी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तुम्हारी मजबूरी समझते हुए तुम्हें एक और नौकरी दे रही हूँ। औरत की बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने पूछा कि मेरे लिए क्या काम है, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरे घर की रखवाली करनी होगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें जितने दिन मैंने अपने घर में रखा, तुमने कोई चोरी नहीं की। बहुत अच्छे तरीके से तुम यहाँ रह रहे हो। आज के बाद तुम मेरे घर की रखवाली करना। मैं घर से बाहर होती हूँ तो मुझे डर होता है कि मेरे दूसरे नौकर चोरी करेंगे या मेरा पति दूसरी औरतों को घर ले आएगा। मेरे जाने के बाद मेरे घर में क्या होता है, मेरा पति और मेरे बच्चे क्या करते हैं, वो सब तुमको मुझे बताना है। आंखें चार करके मेरे घर पर नज़र रखना, बस इतना सा तुम्हारा काम है। मालकिन की बात सुनकर मैं खुश हो गया। ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था, यानी कि मुझे सब कुछ यहाँ पर देखना होगा और मुझे रखवाली करनी होगी। मालकिन ने मुझे कहा कि ये नकाब पहनना भी ज़रूरी नहीं है, तुम अपना मर्दाना कपड़े पहनकर काम कर सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बात ने मुझे और खुशी दी। मैं अब लड़कों के कपड़े में ही काम करता था। मैं देखने में भले ही लड़की जैसा था, लेकिन मेरे अंदर ताकत लड़कों वाली ही थी। मैं किसी भी चोर और डाकू का मुकाबला कर सकता था, इसलिए मेरा कारोबार एक बार फिर से चल पड़ा। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। यहाँ पर मेरा रहना और खाना पीना मुफ्त, और मुझे पैसे भी मिलते थे, तो मैं पैसा जमा कर जाता। और मैंने पैसा जमा करते करते अपना एक छोटा सा मकान ले लिया था और अपने मम्मी पापा को यहीं ले आया। मुझे उस औरत के घर में काम करते हुए अब 10 साल हो चुके हैं। वो औरत बीमार होकर बिस्तर से लग गई है, लेकिन उसने मुझे नौकरी से नहीं निकाला। मैंने पूरे घर वालों का भरोसा जीता। उस औरत ने मुझे कहा कि लोग तो बहुत हैं, लेकिन जिस ईमानदारी से तुमने मेरा काम किया था, अगर एक इंसान पूरी तरह से किन्नर होता है तो फिर भी उसे ज़माने में जगह मिल जाती है और वो वही काम करता है जो किन्नर करते हैं। लेकिन अगर एक इंसान पूरे मर्द हो, लेकिन उसके हाथ पांव की बनावट, उसकी आवाज़ औरतों जैसी लगती हो, तो उसे ज़माने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पागल के लिए एक जगह है जिसे पागलखाना कहते हैं, और वो वहीं पर रहता है, पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन एक आधा पागल के लिए कोई जगह नहीं होती उसके घर के सिवाय। आधा पागल इंसान ना तो पागलखाने में रह सकता है, ना अपने घर में सुकून से रह सकता है। हम जैसे लोगों की यही परेशानी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।